Hi guys, welcome to No Homeopathy and here Samriddhi Sharma is here to guide you and today we are going to discuss the most important medicine of the sciatica. So sciatica जो word है उसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि sciatica होता क्या है क्योंकि medicine तो हम बाद में बहुत सारी देख लेंगे लेकिन हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि sciatica है क्या. तो sciatica क्या होता है उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए sciatic nerve क्या होती है. sciatic nerve जो है वो largest branch है sacral plexus की और ये इसका नर्व रूट है वो है L4, L5, S1, S2 एंड S3. और ये जो है स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये पता होना चाहिए हमें, ख़त्म कहाँ पे हो रही है ये पता होना चाहिए और फिर ये टर्मिनेशंस कहाँ कहाँ जा रहे हैं इसके ये हमें पता होने चाहिए. तो ये स्टार्ट जो होती है नर्व वो वहाँ से स्टार्ट होती है जो हमारा पेल्विस है वहाँ पे स्टार्ट होगी. जो सुपीरियर एंगल है पॉपलीटियल फोसा का वहाँ पे टर्मिनेट कर जाती है कॉमन पेरोनियल नर्व और टीबियल नर्व में. देन क्या होता है कि जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व्स में टर्मिनेट हो जाती है. तो अगर हम देखें कि अगर सिंपली अगर पेशेंट हमको ये बोले कि शियाटिक पेन कहाँ कहाँ होगा तो पेन जो होता है वो इसका होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई एंड द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग एंड कंटिन्यूड टू द डॉर्सम ऑफ द फुट. ये हमको पता होना चाहिए, ये पूरा जो रूट है ये रूट हमें पता होना चाहिए कि sciatic पेन कहाँ कहाँ होता है क्योंकि एक नर्व पेन है. तो नर्व पेन जो है ये इन तीन जगहों पे होता है और ये कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे तक रन करता है क्योंकि sciatic नर्व है वो ऊपर से नीचे तक यहाँ तक रन करती है. अगर हम जो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है नेफेलियम पॉलीसिफेलम और जो नेफेलियम मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है sciatica में. अगर पेशेंट ये बोलता है कि द पेन इज़ एसोसिएटेड विद द नंबनेस ऑफ द पार्ट, अगर पेन के बाद नंबनेस आ रहा है या फिर पेन अल्टरनेट कर रहा है नंबनेस से या फिर पेन के एसोसिएशन में नंबनेस आ रही है यानी कि पेन और नंबनेस अल्टरनेट कर सकते हैं, पेन नंबनेस साथ में आ सकते हैं, अगर ऐसी कोई कंडीशन शो हो रही है तो नेफेलियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन. देयर इज इंटेंस पेन अलोंग द sciatic नर्व एंड द पेन इज एसोसिएटेड या पेन अल्टरनेट्स विद द नंबनेस. द पेशेंट एक्सपीरियंसेस द पेन इन द काव्स एंड द फीट एंड काव्स और फीट में उसको पेन एक्सपीरियंस हो रहा है. और ये जो है इसमें बेटर कैसे हो रहा है पेशेंट, इट इज़ बेटर बाय ड्राइंग द लिम्स अप, मतलब वो पैरों को ऊपर खींच लेगा या फ्लेक्सिंग थाई ऑन द एब्डोमेन, मतलब अगर वो फ्लेक्स कर लेगा थाई को एब्डोमेन पे तो उसको इसमें आराम मिलता है. एंड देर इज़ ऑल्सो अ क्रैम्प्स इन दी काव्स एंड द फीट और रात को ये ज़्यादा होता है जब ये बेड पे होता है तो क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं. गाउटी, देर इज़ अ गाउटी पेन इन द बिग टो एंड द रूमेटिक पेन इन द एंकल जॉइंट्स एंड द नीज, मतलब गाउट को भी कवर कर रही है और रूमेटिज्म को भी कवर कर रही है. देर इज़ अ गाउटी पेन इन द बिग टो एंड द रूमेटिक पेन इन द एंकल एंड द लेग्स. पेन इन द जॉइंट्स एज इफ दे हैव लैक्ड ऑयल, अगर जॉइंट पेन है ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई ग्रीस नहीं है, ऑयल नहीं है, ऐसा पेन हो रहा है तो उसमें भी ये नेफेलियम. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज sciatica एंड व्हाट इज sciatic नर्व एंड द बिगनिंग ऑफ द sciatic नर्व एंड टर्मिनेशन. वी हैव ऑल डिस्कस्ड इट्स एंड द मेडिसिन रिलेटेड टू इट. So if you like it, like the video and subscribe the channel.